हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कल मैंने एक आपसे हेयर की रेमेडी शेयर की थी और आज मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। मैंने आज अपना हेयर जो है वॉश किया था और ये दिखेगा कितने ज्यादा जो है हैवी हो गए हैं बाल, बहुत ज्यादा जो है हैवीनेस, वॉल्यूम भी दिखेगा कितना ज्यादा जो है हैवीनेस आ चुकी है बालों में। ये दिखेगा कितने ज्यादा सिल्की एंड शाइनी हो चुका है बाल, बहुत ज्यादा हैवीनेस हो गई है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है अभी तक तो चेकआउट जरूर से कर लीजिए। बहुत ज्यादा जो है सुपर शाइनी भी हो गया बाल, आप देखिएगा फ्रेंड्स। और आपको ध्यान रखना है, जब आप अपने हेयर में उसे लगा के छोड़ेंगे तो आप नॉट्स ना बांधिएगा। इस तरीके से मुझे आदत है अपने बालों को इस तरीके से नॉट्स बांधने की। अगर आप नॉट्स बांधते हैं हेयर शैम्पू को लगाने के बाद तो थोड़े से आपके वेवी आ जाएंगे। ये देखिएगा मेरे वेवी हो चुके हैं और नीचे के मेरे जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। ये देखिएगा क्योंकि नीचे तो कोई नॉट्स मैं बांधती नहीं हूँ और बस थोड़ी सी आदत है मेरे को नॉट्स बांधने की, पीछे मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ट्रायंगल फ्री रहेंगे। ये देखिए कितने ज्यादा सुपर शाइनी हो चुके हैं। जिस तरीके से मैंने आपको शेयर किया है उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है और आप देखिएगा सुपर शाइनी आपका हेयर हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है ग्लॉसी आएगा। और आप नीचे से भी देख सकते हैं कितने ज्यादा सुपर शाइनी मेरे हेयर हो चुके हैं। तो चलिएगा वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। आज की जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के क्वेश्चन से ही करूंगी। कल मुझे कुछ क्वेश्चन मिले थे कि मैम जो दालचीनी होती है क्या दालचीनी का यूज हम अपने फेस के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ, अगर आप किसी भी रेमेडी में दालचीनी का यूज कर रहे हैं वहीं की वहीं बंद कर दीजिए। चेहरे पर दालचीनी आप बिल्कुल मत लगाइएगा, नहीं तो चेहरा आपका बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगी, दाग हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे। आप दालचीनी का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो आज मैं आपसे रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो आपकी स्किन को तो साफ सुथरा करेगी। अंडर आई एरिया जिनके भी या आई एरिया की प्रॉब्लम होगी, झाइयाँ होंगी, रिंकल्स होंगे चेहरे पर, उनके चमक नहीं रहती होगी, सब आपके होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके पुराने से पुराने धब्बे भी आपके सी से रिमूव आउट हो जाएंगे। और आपके अगर आपके एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, किसी चीज से स्टॉप आउट नहीं हो रही है या आपके जो निशान है वो जा नहीं रहे, तो एक बार इस रेमेडी को जरूर से ट्राई करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल को जरूर से प्रेस कर दें। चलिए वीडियो पहले हम काली कंटेनर ले लेते हैं और ये आप जो है बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और ये 1 मंथ भी आपकी बिल्कुल खराब नहीं होगी। विंटर्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है ये। और अगर आपको जो है एलोवेरा फ्रेश वाला सूट करता है तो आप उसे बनाकर रख लीजिए। फ्रेश एलोवेरा आपको अगर यूज करना है तो आप 3 से 4 दिन कीजिए, लेकिन अगर आप इसे सेव करके रखने वाले हैं तो सिर्फ ये वाला, आपको प्लांट वाला नहीं लेना है, यही एलोवेरा आपको यूज करना है। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा होगा वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वही हमारे चेहरे को दाग धब्बों को अच्छे से रिमूव आउट कर देगा, झाइयां पिगमेंटेशन आपकी इसी से रिमूव आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे लूंगी मैं 1 टेबल स्पून, ये देखिएगा तरीके से मैं एलोवेरा जेल ले लूंगी। ये देखिएगा मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। और अब जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट, इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालना होगा वो एंटी बैक्टीरिया। आपके फेस में जैसे कि हमारे पिंपल्स हो जाते हैं उसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं या ओपन पोर्स आपके हो जाते हैं, तो ओपन पोर्स के अंदर धीरे धीरे बैक्टीरिया जमा होने लगता है, उसको भी रिमूव आउट कर देता है, हमारी स्किन को हेल्दी करता है। एक टिप्स और मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आप जैसे कि आप विंटर्स है, विंटर में आप अगर आप दूध पीते हैं तो नाइट या डे टाइम में सिर्फ आपको चुटकी भर आपको पिंच ऑफ टायरेमिक यानी कि हल्दी ले लेनी है। और हल्दी जो लेनी है कच्ची हल्दी अब आ रही है, सुखा लीजिए घर में, प्योर पीसिए, वो हमारी स्किन को ग्लोइंग करती है। ये एक सीक्रेट टिप्स है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हमारी स्किन को दाग धब्बे रहित कर देगी, हमारे को स्ट्रांग करेगी, हमारे बोन्स को स्ट्रांग करेगी, बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ मैं लूंगी चुटकी भर हल्दी। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट आपके स्किन में ग्लो आ जाए, निखार आ जाए, तो आपको घर का पिसा हुई ही हल्दी लेना है। और ये देखिएगा मैंने जो है घर पर पीस के रख रखी है, मैं आपसे जो है शेयर भी कर चुकी हूँ पहले। इस तरीके से देखिएगा मैंने थोड़ा सा ही लिटिल स्पून के करीब मैंने इस तरीके से जो है हल्दी डाल दिया है। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए और ये हमारा जो रेमेडी है बनकर रेडी हो चुका है। और ये जो है आपकी स्किन को ग्लोइंग कर देगा, आपकी स्किन पे एक गोल्ड ब्लीच का काम करेगा, बहुत अच्छे से स्किन को ये एकदम गोरा निखार जिसे बोलते हैं आपकी स्किन में आ जाएगा। ये देखिएगा ये गोल्ड ब्लीच टाइप हमारा जो है बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिएगा। और ये सीरम भी आप इस यूज कर सकते हैं और एज ए सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको है नाइट क्रीम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे कर लीजिए। और देखिएगा मैं जब अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तो डे टाइम है, डे टाइम में आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। अब देखिएगा अब आप इसे कंटेनर में पॉट में भरकर रख लीजिए। अब आपको इसे लेना है लिटिल बिट, इस तरीके से फिंगर में लीजिए और अंडर आई आपका जो अंडर आई एरिया होता है, यहाँ डार्कनेस होती है काफी लोगों के, और इसको आपको रिमूव करने के लिए आपको इसको जो है इस फिंगर्स में लेना है, लेकर हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से डैपिंग करनी है और डैपिंग करके हल्के हल्के मोशन में इस तरीके से आपको सर्कुलेशन मोशन में बिल्कुल एब्जॉर्व करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के इस तरीके से आपको डेली करना है अगर आपके अंडर आई एरिया है।
और नहीं अगर आपके जो है फेस पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, डार्कनेस है, तो आप इस तरीके से पूरे फेस में इस तरीके से आपको डैब डैब करके लगा लेनी है। उसके बाद बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से आपको पूरे फेस में एब्जॉर्ब करनी है। अंडर आई एरिया है तो अलग से आपको अंडर आई में इस तरीके से डैप करके जैसे मैंने बताया वो अलग से लगाना है। उस टाइम के बाद देखेंगे आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी, आपके पिंपल्स सही हो जाएंगे, आपके पिंपल्स के निशान हो, पुराने से पुरानी झाइयां हो, निशान दाग धब्बे आपके रिमूव आउट हमेशा के लिए हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, लेकिन आपको जो लेनी है मार्केट की नहीं लेनी है। मार्केट वाली में जो होता है कलर होता है, और जो मैंने आपको घर की बताई है ये आपको जो है कच्ची हल्दी के नाम से आपको वेजिटेबल की शॉपें मिल जाएगी, जहां से आप सब्जियां लेते होंगे वहां आपको ये मिल जाएगी। वही हल्दी का आपको इस्तेमाल करना है, वही हल्दी हमारी स्किन को एकदम से ग्लोइंग कर देगी, दाग धब्बे आपके दूर कर देगी, वो हल्दी प्योर हल्दी होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।